मिहिर को उस सेल्स गर्ल पर शक हो गया है, क्योंकि वो सबसे अलग लग रही है और वो भी बार बार चोर नजरों से मिहिर को देख रही है। लेकिन मिहिर ने यह नोटिस कर लिया है। अपने इस शक को पक्का करने के लिए उसने अपने मन में सोचा, ठीक है, जाकर इससे ही पूछ लेता हूं। ऐसे तो मैं शक ही करता रहूंगा यहां खड़े होकर, और मुझे जो लगता है ये लड़की वही होगी। इतना बोलकर मिहिर अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक साइड में ले गया जहां पर कोई भी नहीं है। वो दोनों एक बड़े से शोकेस के पीछे खड़े हुए हैं। मिहिर के इस तरह हाथ पकड़कर खींचने से उस लड़की ने थोड़ा सा हैरान होते हुए पहले की ही तरह प्रोफेशनल तरीके से अपनी धीमी आवाज में मिहिर से पूछा, मैं आपकी और कोई मदद कर सकती हूं क्या सर? और आप मुझे इस तरह से यहां पर क्यों लेकर आए हैं? उस सेल्स गर्ल को इस तरह नाटक करते देखकर मिहिर को गुस्सा आ गया और वो उसी तरह गुस्से में दांत पीसते हुए उससे पूछते हुए बोला, बस करो, अब तो ये नाटक बंद करो। मैं पहले ही समझ गया हूं कि तुम कौन हो, इसलिए मेरे सामने तुम्हारा यह नाटक नहीं चलेगा। उस सेल्स गर्ल ने मिहिर को इस तरह से मासूम बनकर देखा जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया हो, और उसी तरह मासूमियत से वो लड़की बोली, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूं सर, मैं क्यों कोई नाटक करूंगी? और वो इक्विपमेंट सेट आप सच में डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको मिला है, और मैं तो बस आपके लिए वो पैक करवाने जा रही थी, लेकिन आप मुझे ऐसे यहां लेकर आ गए। तो उस लड़की की लगातार एक्टिंग से मिहिर अब इरिटेट हो चुका है, इसलिए उस लड़की की तरफ देखकर वो गुस्से में बोला, लुक, मैं समझ चुका हूं कि तुम हमारी फैमिली के लिए काम करने वाले लोगों में से एक हो, एक कबूतर, और जरूर निखिल ने ही तुम्हें यहां भेजा होगा। वो लड़की फिर से उसी तरह मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए उस स्टोर में चारों तरफ देखते हुए बोली, कबूतर कहां पर? यहां स्टोर के अंदर आपने कोई कबूतर देखा क्या सर? और उसके बारे में मुझे बता रहे हैं? और आप किस निखिल की बात कर रहे हैं? मैं किसी निखिल को नहीं जानती सर। उस लड़की ने स्टोर में चारों तरफ इस तरह से देखा जैसे कि सच में कोई असली कबूतर इस स्टोर में आ गया है और मिहिर उसे उस बारे में बता रहा है। तो उस लड़की को ऐसा करते देख मिहिर का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया और उसको हंसी आने लगी और वो उसी तरह हंसते हुए बोला, बस करो यार, बस करो, कसम से यार तुम्हारी ये एक्टिंग बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार, कोई भी तुम्हें आसानी से पकड़ लेगा यार। वो लड़की एकदम चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई और उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। तो मिहिर ने ही आगे बोला, क्या है ना कि जिस टाइम मैंने स्टोर के मेन गेट से एंटर किया था उस टाइम ही मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम बाकी सबसे अलग हो, और अब तक का अपना किरदार तुम बहुत ही अच्छे से निभा रही थी, लेकिन ये मेरे सामने इस तरह की तुम्हारी एक्टिंग काम नहीं आने वाली, ठीक है? मिहिर उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए बोला तो उस लड़की का थोड़ा सा मुंह बन गया, क्योंकि वो एक ट्रेंड कबूतर है, उसे इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है और मिहिर ने उसे पहचान लिया है, तो एक तरह से ये उसकी हार है। मिहिर ने उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा, वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल की होगी और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के वक्त बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो उसका शरीर भी फिट और स्वस्थ दिख रहा है, त्वचा की रंगत नॉर्मल है, लेकिन फुल मेकअप में वो बला की खूबसूरत लग रही है। वो लड़की बहुत ही नरमी से बोली, लगता है आप हम जैसे लोगों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, इसीलिए आप मुझे इतनी आसानी से पहचान पाए, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने कोई गलती नहीं की। मिहिर उससे इंप्रेस होता हुआ बोला, हाँ सच में तुमने कोई भी गलती नहीं की है, और तुम जैसी कबूतर लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाला ऑर्गेनाइजेशन सच में बहुत अच्छा काम करता है, और तुम सारी लड़कियां किसी भी फील्ड में घुसपैठ करने के लिए बहुत स्ट्रांग हो, और आज मुझे पता चला कि ये आउटडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में भी हमारे कुछ लोग हैं, आप सबकी सच में एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग टीम है, गुड। उस सेल्स वुमन का पर्दाफाश हो गया, लेकिन फिर भी वो लड़की चारों तरफ देखते हुए पूरी सावधानी बरतते हुए धीमी आवाज में मिहिर से बोली, छोटे सरकार, निखिल सर आपकी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान है, आप प्लीज इस बात के लिए उन्हें दोष ना दें, ये उनका काम है, जैसे कि जो अभी मैं कर रही हूं वो मेरा काम है। मिहिर सच में उस लड़की को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाने वाला था, लेकिन जब उसने उस सेल्स गर्ल की यह बात सुनी तो उसने बस एक गहरी सांस भरी और अपने मन में सोचा कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपने सीनियर का दिया हुआ काम पूरा कर रही है और उनके ऑर्डर मान रही है, और ये सब सोचते हुए उसने उस लड़की के लिए बहुत बुरा फील किया। मिहिर ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा,
यह लड़की तो पहले ही कबूतर संगठन का हिस्सा है, तो मैं इसके लिए और अधिक मुसीबतें क्यों बढ़ाऊं? ये सच कह रही है, ये तो इसका काम है। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली का बिजनेस संभालूंगा और सब कुछ मेरे हाथ में होगा, तो मैं इन कबूतरों के संगठन को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। मिहिर को इस तरह चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचते हुए देखकर वो लड़की मिहिर के सामने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए बोली, क्या हुआ सर, आप क्या सोचने लगे? क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? ये सब सोचते हुए मिहिर अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है और उस लड़की की आवाज देने पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, नो नथिंग, फॉरगेट अबाउट इट, और अब तुम जा सकती हो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, मैं अपनी सेफ्टी देख लूंगा। मिहिर ने उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात का उस लड़की पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ढिठाई से वहीं उसके सामने खड़ी रही और बोली, नहीं छोटे सरकार, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी आपको अभी घर जाने के लिए बहुत लेट हो गया है, मैं आपके घर जाने के लिए एक कार का इंतजाम करवाती हूँ। अब वो लड़की जिस तरह से फुसफुसाकर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बोल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान है, क्योंकि एक सेल्स गर्ल के रूप में तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रही थी। मिहिर को उस लड़की का इस तरह किसी जासूस की तरह बदले हुए अंदाज में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सोचकर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया कि पूरी दुनिया ऐसी ही है और ज्यादातर लोग हाई क्लास फैमिली की सेवा में ही लगे रहते हैं, और उसके परिवार की तरह बाकी रिच फैमिली के लोगों को दूसरों के दुख और तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। मिहिर उस लड़की की बात पर उसे मना करते हुए बोला, नो 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 प्लीज, तुम्हें मेरे लिए कोई भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा टैक्सी से जैसे आया था। मिहिर को वो सब कुछ आरामदायक साधन अपने लिए यूज करना अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने हॉस्टल में उसने बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के रियल लाइफ स्ट्रगल देखे, जिनमें उस फूल बेचने वाली गरीब लड़की से लेकर अपनी फीस के लिए स्ट्रगल कर रहे उसकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल है। मिहिर ने इन सब चीजों के बारे में जितना सोचा उतना ही उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसे उन जैसे लोगों के लिए दिल से बहुत बुरा लग रहा है, और ये सब कुछ सोचने के बाद मिहिर का अब वहां उस स्टोर में रुकने का और इधर उधर टहलने का भी मूड नहीं हो रहा है। इन सब के बाद मिहिर को इस तरह देखकर वो लड़की कहती है, ओके, मैं आपकी टैक्सी बुलाने में ही मदद कर देती हूँ और हम दोनों यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं। इस बार उस लड़की ने ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा तो मिहिर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसके पीछे पीछे ही उस आउटडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर से बाहर चला गया। जैसे ही वो दोनों साथ में स्टोर के बाहर निकले, मिहिर को लगा वो लड़की बस उसे स्टोर के गेट तक छोड़ने ही आएगी, लेकिन वो उसके पीछे लिफ्ट में भी आ गई तो मिहिर को और ज्यादा हैरानी हुई। लेकिन उसने शो नहीं किया और लिफ्ट का गेट खुलते ही वो दोनों साथ में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और उसके बाद बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर भी निकल गए। वो दोनों जैसे ही बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर आए, मिहिर ने नोटिस किया कि वहां पर एक ब्लैक कलर की BMW कार पहले से ही खड़ी हुई है। मिहिर को कार की तरफ आते देखकर उस कार का ड्राइवर तेजी से कार से बाहर निकला और उसने इज्जत से झुककर मिहिर के लिए दरवाजा खोला। ये सारा अरेंजमेंट देखकर मिहिर समझ गया कि निखिल ने ही उसके लिए ये सब इंतजाम करवाया होगा, और फिर मिहिर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मिहिर उस कार के पास ही रुककर ये सब सोचने लगा तो ड्राइवर ने उससे कहा, व्हाट हैपेंड सर, बैठिए, ये कार आपके लिए ही यहां पर आई हुई है। उस ड्राइवर की बात सुनकर मिहिर समझ गया कि ड्राइवर भी निखिल ने ही उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, इसलिए वो केलस कर बोला, यस इट्स ओके, मैं अभी बैठ जाऊंगा। वो सब इंतजाम उस ड्राइवर और सेल्स गर्ल को देखकर मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और अपने मन में सोचा, भले ही हम अमीरों के पास आराम के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारी अपनी अलग परेशानियां होती हैं। हम अपनी मर्जी से वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो सामान्य लोग कर सकते हैं, और जब जहां चाहे वहां नहीं जा सकते। हमें हमेशा ही अपनी फैमिली और अपने परिवार के बड़े और हेड पर्सन के हिसाब से लाइफ जीनी पड़ती है। कोई ना कोई हमेशा हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, और इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बड़े सम्राट भी कुछ दिनों के लिए अपना राजपाट छोड़कर आम आदमी का जीवन बिताना पसंद करते थे। उस सेल्स गर्ल ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप सर, आपको अब कार में आ जाना चाहिए, आपका यहां ऐसे बीच सड़क पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मिहिर थोड़ी तेज आवाज में बोला, क्या सेफ नहीं है, तुम दोनों भी तो यहां पर खड़े हो, और मुझे लगता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, समझे? ड्राइवर ने समझदारी से कहा, हमारी बात अलग है सर,
क्योंकि ये हमारा काम है और हम आपकी तरह इतने बड़े खानदान से नहीं है और आपकी तरह हमारे इतने सारे दुश्मन भी नहीं है। मिहिर को अब इरिटेशन हो रही है, लेकिन वो बहुत ही बेबस फील कर रहा है और वो समझ गया है कि निखिल ने ही इन दोनों को ये सब बोलकर यहां भेजा है, इसलिए इस बारे में वो कुछ नहीं कर सका और चुपचाप कार के अंदर बैठ गया। मिहिर के बैठने के बाद ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करने लगा कि तभी कार का दरवाजा बंद करने से पहले उस सेल्स गर्ल ने आगे आकर कार के कांच पर खटखटाया। आखिर क्या चाहती अब ये लड़की, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।